मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल है बल्कि कि इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। ट्रेडिशनल वॉर में तो आप उसको सबकत ले जाएंगे, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल वॉर में आप इंडिया को कैसे जेर कर पाएंगे? नहीं, आपका नॉन ट्रेडिशनल वॉर से कहीं स्ट्रेटेजिक नॉन ट्रेडिशनल यानी आप इकोनॉमी की बात कर लें, इस किस्म की बात कर लें, तो कैसे आप उसको ले जाएंगे? देखिए ना, यही हमारी खामियां हैं, यही हमारी कमजोरियां हैं जिसका वो फायदा उठाते हैं। कोई भी मुल्क जो खुद अपने पांव पे नहीं खड़ा वो वल्नरेबल होता है, उसके ऊपर अटैक्स होंगे। अंदरूनी कमजोरी बैरूनी जारहियत को दावत देगी, ये एक मुसलमा हकीकत है। लिहाजा अंदरूनी कमजोरियां खत्म करना होती हैं, वरना आप इस तरह के जो नारे लगाएंगे वो खोखले होंगे। आप मुआशी तौर पर अगर कमजोर हैं, आज तो बात ही मईशत की जाती है, अगली वॉर जो है ही मईशत की। आपका एक सुपर पावर टूट गया मईशत की वजह से, उनको आपने न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर रेस में लगा दिया अमेरिका ने, और वक्त के साथ साथ उनकी इकोनॉमी ब्लीड होती गई और एक दिन वो खत्म हो गया। ये आपके सामने है, एक सुपर पावर खुद को सस्टेन नहीं कर सका, हालांकि उसके माशी वसायल, उसकी बाकी असलहा और बाकी चीजें जो है वो एक सुपर पावर की हैसियत थी ना उनकी, बेबहा बेशुमार, मगर अल्टीमेटली वो ब्रेक हो गया। तो पाकिस्तान कहाँ है? हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास तो वो वाले वसायल नहीं है हरगिज। तो हमें हर सूरत अपना जो घर है उसको सेट करना है, जिसको कहते हैं पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, ये हम बार बार कहते हैं मगर इसको कोई समझता नहीं। अपना हाउस अगर ऑर्डर में नहीं है, फिर हम भीख भी मांगेंगे, फिर हम डिक्टेशन भी लेंगे, फिर हम जारहियत भी बर्दाश्त करना होगी, नारे आप लगाएंगे मगर उनमें जान नहीं होगी। जैसे ईंट का जवाब पत्थर, फोर्स तो ठीक है मगर क्या ये सिर्फ फोर्सेस ही की लड़ाई है? ये तो हुकूमत को अपना रवैया बदलना होगा। फोर्सेस को कहते हैं जी आप बमबारी हुई है तो बमबारी कर दें, वो तो कर देंगे, पर आपने कौन सा ईंट का जवाब पत्थर से दिया? हुकूमत ने अगर उस तरफ से जारहियत है तो आप तो उनके साथ मुआहदे करने जा रहे हैं, MFN करना जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल की बात कर रहे हैं, अमन की आशा की बात कर रहे हैं। बड़े डंडोरे पीटे जाते हैं यहाँ पे कि भारत के हाँ तो जी बड़ी गर्मजोशी है, तलाकात ठीक कर लो। वो चार लोग उनके जो है वो इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के या इस तरह के लोग वहां लाहौर में आ जाते हैं और जनाब एक पूरा फंक्शन हो जाता है, अमन की आशा हो गई। मोदी साहब जो है उनको वोट्स पाकिस्तान दुश्मनी में पड़े थे, हमारे यहां जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने कैंपेन में हिंदुस्तान दोस्ती की बात की थी। ये दोनों मुल्कों में देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है, मगर हिंदुस्तान में कभी आप इस तरह की आवाज नहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान में दोस्ती की बुनियाद पर वोट लिए जाते हैं और हिंदुस्तान में दुश्मनी की बुनियाद पर वोट लिए जाते हैं। यह है ओवरऑल स्टेटस वहां के लोगों का और जहनीयत का। तो मेहरबानी करें जो लोग इस तरह की पाकिस्तान में इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, हकायक से हमें सबक सीखना चाहिए। हकायक यही है जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हर चौथे दिन LOC पे एक जारहियत हो जाती है और इसके पीछे मैं बिल्कुल महमूद साहब से एग्री करता हूं, इसके पीछे असल जो उनको तकालीफ है वो यही है कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम का आगाज किया है और दहशतगर्दी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बलूचिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको ये चीज हर्ट कर रही है और जो दहशतगर्द आप पकड़ भी रहे हैं वो ताने बाने उनके इंडिया से मिल रहे हैं और बाकायदा इस चीज का इकरार कर रहे हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो रगड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो खुल के बोलेंगे। फिर आप ये दुनिया को दिखाएंगे कि ये देखिए जी ये नेटवर्क है वहां पे नूरस्तान और कुनार का इलाका, फिर उनकी कौंसल खाने इतने सारे बॉर्डर पे बने थे, सारे के सारे एंटी पाकिस्तान थे और वहां बाकायदा फाइनेंसिंग की जाती है, रॉ एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है। तो मकसद ये है कि उनको अब खतरा है, उनको खौफ है, तो आपकी अटेंशन हमारी आर्मी की डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये LOC को हीटअप किया जाता है। और ये भी हमें मालूम है कि हमने कुछ फोर्सेज वहां से डिसएंगेज करके मगरबी बॉर्डर पर भी ले गए हैं, वो इसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मकसद ये है कि वहां कोई खैर की तवक्को ना रखें आप, जब तक आपकी हुकूमत वो ईंट और पत्थर वाली बात खुद भी नहीं करती, सिर्फ फौज को आगे कर देना कि उधर भी आप बमबारी कर दो, मैं नहीं समझता कि इससे मामला हल होने वाले हैं। ये जो तमाशे लगे हुए ना अमन की आशा और इस तरह की चीजें, इनको रोकिए, मेहरबानी कीजिए, जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते लोगों को हकायक बताइए। हुकूमत बाकायदा जहां जहां से इस तरह की आवाजें जा रही हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें। जैसे APC में बैठे, जैसे आप APC में बैठे, इसी तरह तो आप फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बैठे, फॉरेन पॉलिसी के लिए बैठ के बाकायदा इसके ऊपर भी आप अपनी करारदादें पास करें कि हम कहां खड़े हैं विजावी इंडिया, विजावी ईरान, हमारे जो हमसाए मुल्क है खासकर, उसके बारे में ये तो आपकी पॉलिसी का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, तरजीहात में से होनी चाहिए।
सबसे पहले आपकी आपके जो हमसाये हैं उन्हीं से ताल्लुकात आपके क्लियर होने चाहिए ना, और कौन कहाँ खड़ा है जरा बताइए, और क्या स्टेप्स लेने हैं ये भी बताइए कि इन ताल्लुकात को अगर हमने ठीक करना है तो जो फिर उनका रवैया है उसके मुताबिक हुकूमत के तौर पर भी वही रवैया आप इख्तियार करें। फिर आप उठ के उनकी हल्फबरदारी की तकरीब में मत जाए, वो तो नहीं आए थे, वो नहीं आए थे, तो ये सिग्नल्स जो है वो आप कुछ और दे रहे हैं, बात आप कुछ और कर रहे हैं, तो ये तजाद है आपके कॉल और फेल। बहरहाल मैं